Bismillahirrahmanirrahim. Our topic is predestination or divine decree, which is called in Urdu Taqdeer. And as according to Iman Mufassal, the definition, Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal qadri khairi sharrihi minallahi ta'ala wal ba'thi ba'dal maut. It means, I believe in Allah, His angels, His books, His prophets and messengers. And I believe in righteous or the evil, predestined things, and on the day of judgment. कि जब हम मर के जिंदा हो जाएंगे उस दिन पर. अब इसमें क्या चीज है जो हमारा टॉपिक है कि जो भी अच्छी और बुरी तकदीर है उस पर ईमान ले आना. यहाँ देयर आर सम काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन फॉर मुस्लिम स्पेशली. दे आर थिंकिंग एवरीथिंग इज रिटन बाय अल्लाह फॉर अस एंड इट विल अकर अकॉर्डिंगली. If we believe it as it, then what is our responsibility? What we are going to do? Here we have to understand this issue. कि अल्लाह ताला ने सब कुछ बना दिया और ये सब कुछ बनाने से पहले अल्लाह ताला ने लिख दिया. एक लॉ उसको कहा जाता है, टैबलेट इंग्लिश में कहते हैं, कि जो कुछ क़यामत तक होना है अल्लाह ताला ने सब कुछ उसमें लिख दिया है और अकॉर्डिंगली इट इज गोइंग टू अकर. यहाँ पर दो टाइप के व्यूज हैं. एक वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, जो कुछ अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिख दिया है हमें वही करना है, वी आर कंपेल्ड टू डू इट. और दूसरा वर्जन ये है कि नहीं, हमें अल्लाह ताला ने चॉइस दिया है, विल पावर दी है और हम इंडिपेंडेंट हैं. जो हम अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे इट इज आवर चॉइस. अब इसमें भी कुछ लोग वो बिल्कुल उसको डिनाई कर देते हैं कि नहीं, जो कुछ आप हैं वही कुछ है. बट देयर इज अ मिडिल वे, एक म्याना रवि, एक मुतदिल रास्ता है. वो क्या है इसको समझने का जो खूबसूरत तरीका है, द बेटर अंडरस्टैंडिंग इज दिस, कि अल्लाह ताला ने कुछ चीजें डिस्टाइन कर दी, फिक्स कर दी, उनको कोई दुनिया की ताकत चेंज नहीं कर सकती अपनी कोशिश से, इल्म से, एक्सपीरियंस से. और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे अख्तियार में दे दी, उनको हम चेंज कर सकते हैं. अगर हम अच्छा करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा, अगर हम बुरा करेंगे तो रिजल्ट बुरा निकलेगा. अब वो क्या चीजें हैं, पहले इस चीज को समझने की जरूरत है कि कौन सी चीजें फिक्स हैं और कौन सी हमारे चॉइस पर है. फिक्स ये है, फॉर एग्जांपल हम अपने बारे में ले लेते हैं कि मेरा पैदा होना, वेयर आई विल बॉर्न इन पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कौन सी फैमिली में मैं पैदा होगा, मेरा जेंडर क्या होगा, मेरी शक्ल सूरत क्या होगी, मेरी हाइट वेट ये चीजें मतलब कि कैसी होंगी, ये चीजें अल्लाह ताला ने ऐसी बना दी हैं कि इनको मेरे इख्तियार में नहीं दिया. और जो चीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो चीज अल्लाह ताला ने आपके चॉइस पे नहीं छोड़ी उसके लिए आप आंसरेबल ऑन द डे ऑफ जजमेंट.